इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले जो 12 क्वेश्चंस हैं उन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उनको जा करके देख सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले दो टर्म जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं, यदि मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरा बचता है एक्स माइनस वन, और इन दोनों टर्म जो सेकंड टर्म है एक्स माइनस वन, तो इनमें से हम देखते हैं तो यहां मैंने एक्स माइनस वन लिख दिया, तो हमारा यहां बचेगा प्लस का वन और अपॉन में है हमारे पास में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां से देखें तो यहाँ से हमारा जो फैक्टर्स हैं एक है x माइनस वन और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इन दोनों को हम नीचे लिख लेते हैं। तो x माइनस वन आ चुका है और सेकंड आ चुका है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये कहाँ से आया है, ये दोनों टर्म मिला के एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे है हमारा x माइनस वन, तो x माइनस वन डॉट डी एक्स। अब स्टूडेंट्स x माइनस वन से x माइनस वन हमारा कट गया, तो हमारा क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से करना है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ टू है तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा एक्स, और कॉन्स्टेंट लगा देंगे यहाँ पे हम सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।